मिश्रा और बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है और बहुत मैं खुश हूँ मुन्ना के लिए कि उन्होंने एक फिल्म की शुरुआत की है और अभी ये पहली शुरुआत है, आज फिल्म का मुहूर्त है। तो बहुत अच्छे सिंगर हैं और वो काफ़ी गाने भी गा चुके हैं, तो जैसे आप लोगों ने इनके गानों को प्यार और आशीर्वाद दिया है, वैसे अभी जो फिल्म करने जा रहे हैं उसको भी ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि ये अभी जो शुरुआत करें ये रुके ना, क्योंकि आप लोग सहयोग करेंगे और इनकी मदद करेंगे तो ये रुकेंगे नहीं, जिसकी वजह से कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया करें, क्योंकि हाँ बहुत अच्छे इंसान हैं और कम उम्र है लेकिन दिमाग बहुत तेज है और उसी दिमाग की वजह से आज कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो भाई जैसे करता हूँ हर फिल्मों में विलन ही हूँ इस फिल्म का। अभी मैं अभी स्क्रिप्ट इन्होंने मुझे सुनाई है, अच्छी स्क्रिप्ट है, काफ़ी बेहतरीन स्क्रिप्ट है, ये बहुत प्यारी लव स्टोरी है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में यही कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने स्क्रिप्ट एक लिखी है, और मैं सबसे पहले प्रोड्यूसर को धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने एक नई पहल की है, एक नया कदम उठाया है कि एक न्यू कमर को लेके एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। माना कि सिंगर अच्छे हैं, बहुत काफ़ी एल्बम्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सिंगर को एक्टर अचानक बनाना ये बहुत बड़ा वो होता है, तो इन्होंने जो डिसाइड किया है बहुत बड़ी बात है कि एक सिंगर को एक्टर बना रही हैं, तो मैं इनको धन्यवाद कहूँगा। अपने मीडिया बंधुओं को भी प्रणाम। मैं आया हूँ अपने छोटे भाई के लिए, मन्नू बेदर्दी मतलब बहुत अच्छा सिंगर है। यहाँ तक मेरी सोच है बंदे ने जो स्टोरी लिखा है बहुत अच्छा है, मतलब नादान इश्क कि दोनों नादान है, हीरो भी नादान, हीरोइन भी नादान। लेकिन हीरोइन कैसे नादान दिखती नहीं दिखती नहीं, लेकिन विलन लोग को हीरोइन नादान नहीं दिखती भाई, कभी भी उठा लेते हैं, तो इनके कहने पर मत जाना दोनों नादान है। उठाने का ही पैसा लेते हैं राधे भाई, उठाने का पैसा लेते हैं और बचाने का पैसा लेता है भाई। वैसे ऑडियंस भी सपोर्ट करिए, आप लोग भी लाइक करिए, जैसे भाई के गानों को लाइक करते हैं आप लोग, वैसे इनके फिल्म को भी लाइक करिए। और एक नई सोच, मतलब अभी तक तो 30 के बाद ही हीरो बने हैं, जितने हीरो 30 साल के बाद ही बने हैं, एक छोटा बच्चा हीरो बनने जा रहा है, एक अलग पब्लिक को एक अलग चीज़ मिलेगी, कुछ अलग देखने को मिलेगा। अभी से प्रेशर में मुन्ना जी की हालत देखिए कैसी होगी, और विलन इतना भयंकर है पर्दे पे क्या होने वाला है ये तो फिल्म आने के बाद। कभी-कभी हम लोग को लगता है ना कि हम लोग मतलब बॉडी बना लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन जब मार खाने की बात आती है तो पिटना हमी को होता है, और इतनी बॉडी ये सब बना के एक कोई मतलब नहीं, नॉर्मल हीरो के हाथों मार खा रहे कुत्ते जैसा, क्या मतलब लगता है ना हीरो हीरो होता है यार, हीरो हीरो होता है, सही है, कितना भी कमजोर है लेकिन लास्ट में जो है हमी को पिटना होता है, सही है। फिल्म भी तो यूनिक है सर, फिल्म की स्टोरी यूनिक है, चीजें सस्पेंस रहना भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज ओपन हो जाती है तो मजा नहीं आता, नहीं आता तो पता कैसे चलेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो अचानक जब हम अपना धमाका करेंगे ना तो उस समय लगेगा लोगों को यार कुछ किए हैं, तो अभी इसीलिए ना तो पोस्टर ना कुछ, लेकिन बाकी चीजें सब फाइनल है, कि करने वाले कुछ अलग है, ऑडियंस को मजा आएगा इसके बाद जो है, अभी पोस्टर दिखा दिए तो कुछ कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कॉन्सेप्ट भी अलग होना चाहिए। तो ये अलग कॉन्सेप्ट हमारी ऑडियंस को पोस्टर से डिसाइड नहीं कर पाएगी, कि पोस्टर आप कैसा भी बना लो उस पर डिसाइड नहीं किया जा सकता कि ये नाबालिग क्या है, एक्चुअली टाइटल क्या है और ये कहानी क्या है। तो जिस दिन कहानी हमारी पूरी कंप्लीट होकर पर्दे पर आएगी उस दिन लोगों को लगेगा कि एक्चुअली नाबालिग क्या है और इसकी कहानी क्या है। तो इसीलिए हमने यहाँ कोई पोस्टर अभी वो नहीं किया है, फिल्म हम का मुहूर्त कर रहे हैं और जल्दी ये पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, और मुहूर्त और फर्स्ट लुक साथ में दिखाएंगे आपको एक्चुअली नाबालिग का पोस्टर क्या होगा और ये कहानी क्या होगी। उनको तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूँ, और हमारे जो ऑडियंस भैया लोग हैं सबको, उनको भी जो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और हम एक बहुत ही अच्छी मूवी करने जा रहे हैं जिसका नाम नाबालिग है, और बहुत ही अच्छा उसका कास्टिंग भी होगा। किरदार में तो मैं हीरो हूँ इस फिल्म का, और जहाँ तक है पूरा विश्वास है कि इस फिल्म में धमाका दिखाऊंगा, पूरा धमाका कर दूंगा। छोटा हूँ लेकिन कोशिश करेंगे, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हमारी पहली मूवी है, आपने जैसे आप लोगों ने जैसे हमारी सिंगिंग गायकी में सपोर्ट किया है, आशा नहीं विश्वास है कि ऐसा मेरे मूवी में भी आप लोग सपोर्ट करेंगे और प्यार अपना आशीर्वाद देंगे अपने छोटे लड़के भाई को। जी ज़्यादातर हमारे किरदार में रोमांस देखने को, आप लोग का सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा जोड़ी रहेगी और एक अच्छा धमाल करेंगे, एक अच्छा धमाल करेंगे जो कि लव स्टोरी मूवी हम लोगों का, फुल रोमांस और फुल धमाल रहेगा।
और बाकी हमारे राधे भैया जी तो है ही हैं, हम लोग के प्यार के दुश्मन। अभी तो आप कितना भी राधे भैया जी उठा उठा के पटकेंगे, लेकिन ये छोटा बम है, लास्ट में आपको छोड़ेगा। तो ये बताइए, में तीन गाने हैं जो कि ये सैड सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। मैं चाहूँगा कि आपने जैसे इनके हर सॉन्ग हर एल्बम्स को प्यार और आशीर्वाद दिया है, जैसे अभी तक आप लोगों ने इनको सर पे बिठाया है, तो मैं चाहूँगा इस फिल्म को भी आप लोग सर पे बिठाइए। नाबालिग टाइटल बहुत प्यारा है, उससे प्यारी स्क्रिप्ट है इसकी, जो मैंने आधे से ज़्यादा इसकी पढ़ रखी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा किरदार भी बहुत अच्छा है, माना कि विलन हूँ, विलन के साथ साथ एक पहली बार ऐसा होगा कि मैं किसी मतलब हीरोइन का भाई का किरदार कर रहा हूँ, जिसमें बहुत कुछ करने को होता है। अब एक होता है कि हम विलन करते हैं तो विलन में एक अलग वाह हो जाती है, मार सारे के ये कर रहे मार उठा के ला, लेकिन अब यहाँ एक पॉइंट ये आ गया है कि मैं जो फिल्म की जो मेन हीरोइन है उनका भाई हूँ, तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा, दुख भी होगा कि मेरी बहन मतलब प्यार व्यार कर बैठे और वो भी कम उम्र में। तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है आप लोगों को नए किरदार में और नए चीज़ को प्ले करना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। तो मैं बस यही चाहूँगा जैसे आप लोग मेरी भी फिल्मों को प्यार और आशीर्वाद देते हैं, देखते हैं, हर चीज़ करते हैं, इतने सारे कमेंट और लाइक्स करते हैं, वैसे इस फिल्म को भी जब हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाए, ये थिएटर तक जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके बीच में आके चीज़ों को प्रमोट करें। तो आप लोग जैसे प्यार आशीर्वाद देते हैं तो हम सबको भी दीजिएगा। एक नई फैमिली बन रही है, एक नई टीम खड़ी कर रहे हैं हम लोग, एक छोटी सी टीम है यार, इंडस्ट्री ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, और सब मिलजुल के हम काम करेंगे तो ही हो पाएगा। जी आप बहुत छोटे हो लेकिन बहुत बड़े काम करने वाले हो लग रहा है मुझे, और ये भी लड़की नहीं है नैना सिंह, वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा काम करेगी। और मैं 91 से फिल्म लाइन में हूँ, मेरा नाम जया खन्ना है, सीनियर आर्टिस्ट हूँ, सिंटा की मेम्बर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये नए लोगों को हम लोग इतना प्रोत्साहन दें कि वो लोग आगे बढ़े, जो भी चाहिए उनको वो अपना दिल से करें। और नाम भी बहुत अच्छा रखा है नाबालिग, और दोनों बच्चे भी नाबालिग लग रहे हैं, और लास्ट में इन लोगों का जो एक दूजे के लिए जो होता है, एक फिल्म आती थी एक दूजे के लिए, वैसा ही मुझे लग रहा है कि वो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा होएगा। किरदार मेरा जो है, मैं सिस्टर का रोल कर रही हूँ, नैना जी की सिस्टर हूँ, ऑब्वियसली छोटी सी प्यारी सी तो मैं छोटा से ही करूँगी। रियल लाइफ में भी आई थिंक कि मैं छोटी हूँ, रियल लाइफ में भी आई एम टीनेजर की लव स्टोरी है एंड मैं टीनेजर हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड मैं छोटी हूँ।